Hi guys, welcome back to my channel. So today I am going to show you how you can straighten your hair without losing the volume. Because mostly क्या होता है कि अगर हमें party में जाना होता है तो हम अच्छे से makeup तो कर लेते हैं, but when it comes for the hairstyle या तो hair updo कर लेते हैं या फिर curl रहता है, straightening भी करते हैं तो वो भी एकदम pin straight हो जाती है और volume हमारा सारा चला जाता है. I personally like hair straightening जिसमें कि मेरे hair का volume ना जाए और volume अच्छा सा बना रहे, जिससे कि वो थोड़े से अच्छे और वेवी देखें, एकदम पतले से नहीं देखें. बिकॉज आई हैव वेरी फाइन हेयर तो मुझे चाहिए कि मेरे बालों का वॉल्यूम हमेशा बना रहे. सो उसके लिए आई गॉट दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ अ हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम एंड आई गॉट दिस फ्रॉम ब्यूटी बिग बैंग. आई विल पुट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसका प्राइस, इसकी डायरेक्ट लिंक, एवरीथिंग जो, तो आप इसको जाके देख सकते हैं. लेट मी क्विकली गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू दी demo of this hair straightening tool. So it is a very compact hair straightening tool as you can see, and it comes in this sort of color, red and gray. I think they have one more option, red and black, but I find this okay. And these are the buttons. This is the on and off button and this is temperature up and down button. Aur ye jo 6 aapko lights dikh rahi hain, ye temperature light hain. It has a minimum temperature of 180 degree and it goes till 200 degree centigrade. So aap apne hair type ke according इसको सेट कर सकते हैं. इफ यू हैव वेरी यू नो कर्ली हेयर एंड वेरी फ्रिजी हेयर, यूज इट ऑन 200 डिग्री सेंटीग्रेड. बट मेक श्योर कि आप पहले अपने हेयर में प्रोटेक्टिंग स्प्रे या सीरम लगा लें और उसके बाद ही इसको यूज़ करें. और आपके बाल अगर बहुत ही लाइट हैं, बस हल्का सा आपको एक नाइस स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए, देन यूज़ इट ऑन 180 डिग्री, दैट विल बी गुड इनफ. और इसकी कॉर्ड जो है वो भी काफ़ी लंबी है तो आप इसको ईजिली प्लग इन कर सकते हैं. लेट मी क्विकली प्लग इट इन एंड शो यू हाउ इट वर्क्स. प्लग इन करने के बाद में दिस इज़ द ऑन एंड ऑफ बटन. तो आप जब इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी. आप अपने हेयर टाइप, जैसे कि मैंने बोला, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें. आई एम सेटिंग इट ऑन अ मीडियम हीट क्योंकि मेरे बाल हल्के से फ्रिजी हैं बट बहुत ही ज़्यादा कर्ली नहीं है, लाइट वेवी हैं. तो दिस टेम्परेचर इज़ क्वाइट गुड फॉर माई हेयर. और जब ये टेम्परेचर हम इसको सेट करते हैं, इट टेक्स अराउंड अ मिनट टू हीट अप एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द डेमो. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके कुछ एक प्रिकॉशंस जो हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. So first of all, I am going to put this hair serum from Livon. It is a Moroccan argan hair serum. I am taking a pump or so on my palm and rubbing it in between and spreading it all over my hair. This work as a heat protecting product as well as it helps in detangling my hair. And it is very important to use a heat protecting product before using any heating tool to protect your hair from the damage. Now with the help of white tooth comb, I am going to detangle my hair. मैंने ये hair straightening बिना hair को detangle किए भी की है, but it takes little bit of more time. So I prefer कि आप पहले अपने बाल detangle करने with the help of white tooth comb and later you use the hair straightener. Now I'm going to work on this part. बस मैं एक इंच का सेक्शन इस तरीके से लेने वाली हूँ और बाकी के बालों को क्लचर की हेल्प से पीछे टाई कर देने वाली हूँ. आफ्टर दैट आई विल टेक द हीटिंग कोम और हेयर स्ट्रेटनिंग कोम. और बस जिस तरीके से हम नॉर्मल कोम करते हैं, हमें उसी तरीके से अपने बालों को कोम करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में. अगर आपको थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए तो इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आप करें, अदरवाइज आप नॉर्मल ऐसे भी करके हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं. यू कैन सी द डिफरेंस कि दो तीन बार उसको कॉम करने के बाद ही हेयर एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं. सिमिलरली आई विल अगेन टेक 1 इंच ऑफ सेक्शन एंड स्ट्रेटन इट. तो अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड का डिफरेंस. ये वाला साइड एकदम नाइसली स्ट्रेटन हो गया विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम और दूसरा साइड जो अभी भी फ्रिजी है. सो आई रियली लाइक द रिजल्ट ऑफ दिस हेयर स्ट्रेटनिंग टूल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो.
सो नाउ लेट मी टेल यू फ्यू प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग दिस हेयर टूल. तो जब आप इसको ऑन एंड ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जब ये हीटअप हो जाता है, देन ट्राई नॉट टू यू नो टच दिस पार्ट, बिकॉज ये जब पूरा हीटअप हो जाता है थोड़ा सा गर्म हो जाता है. वैसे तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का रिम लगाई गई है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू नॉट टू टच इट. और बाथरूम में या किसी भी गीली जगह पे आप इसे यूज़ ना करें. मेक श्योर कि आपके बाल बिल्कुल ड्राई हैं, डोंट यूज़ इट ऑन द वेट और डैम्प हेयर. मेक श्योर कि आपके बाल बिल्कुल 100% एयर ड्राई हो गए हैं. और यस, यूज़ करने से पहले हमेशा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या सीरम लगा लें, और प्लीज़ बच्चों के हाथों में ना दें. तो ये तो हम सबको पता होता है कि ऐसे टूल्स बच्चों को नहीं देने होते हैं. सो यस, अदर देन दैट दिस इज़ वेरी नाइस, हैंडी एंड ईजी टू ट्रैवल, एंड आई रियली लाइक द रिजल्ट. आई विल पुट मोर डिटेल्स एंड डिटेल रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन माई ब्लॉग, सो प्लीज़ डू फॉलो मी ओवर देयर. इसके संग ये फ्लायर आया था जिसकी सारी डिटेल्स मैं ब्लॉग में पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग इट, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ डू लीव इट इन द कॉमेंट बार. हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब to both of my channels, Omni Style and We Traveler, and I will see you in my next video. Till then, bye bye.